दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मचाया ऐसा तांडव। 300 नहीं, 400 नहीं, सीधे वनडे क्रिकेट में पहली बार 500 रन बनाकर रच दिया नया कीर्तिमान। बांग्लादेश के सामने खड़ा किया कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर रोहित और कोहली के तूफान में कैसे उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज? कैसे रोहित कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे थर थर कांपता नजर आया बांग्लादेश? कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने ठोक दिया के बाद एक दौरा शतक रोहित कोहली के उस ऐतिहासिक पारी की पूरी वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे वनडे मुकाबले का बिगुल बज चुका है। दोनों टीमें ईडन गार्डन के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय बल्लेबाज काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। इस मैच में ओपनिंग जोड़ी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां रोहित शर्मा ने यशस्वी जायसवाल को बैठकर विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने का मन बनाया और ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतरे। वहीं रोहित शर्मा पहले ही ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, शाकिब अल हसन, हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। विराट कोहली का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में रोहित शर्मा ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय साझेदारी बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर जमकर तांडव मचाया, जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो गए। वहीं रोहित शर्मा का भरपूर साथ विराट कोहली भी निभा रहे थे, चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने शतक भी ठोक दिया। वहीं विराट कोहली भी अपने शतक के बेहद करीब जा चुके थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर में 260 रनों तक पहुंच चुका था। शाकिब अल हसन की गेंद पर विराट कोहली ने खतरनाक अंदाज में 2 छक्के जड़कर अपना शतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रनों की दरकार थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली बांग्लादेश के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। रोहित शर्मा T20 के अंदाज में खेल रहे थे, केवल चौके और छक्कों में डील कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। विराट कोहली तस्कीन अहमद की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए नजर आए। वहीं रोहित शर्मा तो घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सिर पर खून सवार है। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। विराट कोहली का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, रॉकेट की रफ्तार की तरह रन बना रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने एक बार फिर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और दोहरा शतक ठोककर बांग्लादेश की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम का स्कोर 350 रनों के पार पहुंच गया। अभी भी ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 350 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। रोहित शर्मा इसके बाद भी रुके नहीं, वही उनका भरपूर साथ विराट कोहली ने भी निभाया। दोनों ने मिलकर मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि विराट कोहली ने भी अपने 150 रनों के आंकड़े को पार कर लिया। विराट कोहली कभी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तेजी से रन बनाए जा रहे थे, चौके छक्के लगाए जा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उनके गेंदबाजों को अभी तक विकेट नहीं मिल पाया था। आज ये दोनों बल्लेबाज अकेले ही नया कीर्तिमान रचने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। विराट कोहली प्रचंड रूप में दिखाई दे रहे थे, वो धीरे धीरे अपने दौरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे। भारत का स्कोर 400 रनों के पार हो चुका था, अभी भी 10 ओवर का खेल बचा हुआ था। ये देखकर तो लग रहा था कि आज भारतीय खिलाड़ी कुछ नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तस्कीन अहमद से लेकर शाकिब अल हसन, यहां तक कि मेहंदी हसन, मिराज, हर किसी की गेंदबाजी पर ऐसी कुटाई की जिसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। मैच में गेंदबाज दर्शक बन चुके थे, वहीं दर्शक फील्डर बन चुके थे। जस्ट अंदाज में रोहित शर्मा प्रचार कर रहे थे, वो देखकर तो स्टेडियम पूरा खुशी से झूम उठा था। भारतीय खेमा भी काफ़ी खुश था। वहीं रोहित शर्मा ने देखते ही देखते अपना 250 रन भी पार कर लिया। भारत का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका था। वहीं विराट कोहली भी अपने 200 रनों के बेहद नज़दीक आ चुके थे और उन्होंने तस्कीन अहमद की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना दोहरा शतक ठोक दिया और हर किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया। विराट कोहली ने अपना सर्वाधिक रन बना लिए वनडे क्रिकेट में। विराट कोहली ने भी अपना दोहरा शतक ठोक कर पूरे क्रिकेट जगत में तांडव मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग था। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर खेल रहे थे। बांग्लादेश के गेंदबाज विकेट लेने में पूरी तरह से असफल नजर आए। इन दोनों बल्लेबाज तांडव मचाया कि एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारत का स्कोर 500 रनों तक पहुंच गया और बांग्लादेश के सामने 50 ओवर में कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया, जहां रोहित शर्मा ने 260 रनों की बेहतरीन पारी खेली तो वहीं विराट कोहली ने भी 220 रन चढ़ दिए और दोनों खिलाड़ी नाबाद रहे। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बता दें, ये प्रैक्टिस मैच की कहानी थी जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला जमकर दहाड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ये दोनों बल्लेबाज इसी तरह से बांग्लादेश
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया को शुरुआत देंगे या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। में बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की करवा दी है वापसी। तो आखिर तीसरे वनडे में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा? क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम? कहां देख सकते हो आप ये महामुकाबला, वो भी लाइव? साथी पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में कौन सी टीम तीसरा वनडे मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं, और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने आप बेहद ही रोमांचक बन जाता है। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले वनडे मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया के सामने एक न चली, जहां रोहित शर्मा की पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से वनडे सीरीज में बढ़त भी बना ली। लेकिन दूसरे वनडे मैच में बांग्लादेश अंतिम गेंद तक खेले गए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को धूल चटाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद यह सीरीज 1-1 से बराबरी पर आकर खड़ी हो गई। अब यह कारवा इतने में ही रुकने वाला नहीं है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरे वनडे का बिगुल बज चुका है। यहां बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन संतो कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम को वो हराएं, और इसलिए उन्होंने रोहित शर्मा की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला आप सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देख रहे हो तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन संतो अपनी टीम को संभाल रहे। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। और अगर आपको ये मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले में रोहित शर्मा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टॉस जीतकर भी वो मुकाबला हारें, इसलिए वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ही चुने हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि एक तरफ रोहित शर्मा की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ करेंगे, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बदल दिया है और तीसरे और चौथे नंबर पर खिलाड़ियों को भी बदलकर हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आइए आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं जो भारत की खेलती हुई नजर आएगी। दरअसल दोस्तों, यहां बांग्लादेश की तरफ से जिन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है उसमें लिटन दास, संजीद हसन दो बेहतरीन खतरनाक ओपनर उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे, तो मध्यक्रम में कप्तान नजमुल हुसैन संतो, शाकिब अल हसन, सौम्या सरकार और तोहिद दोए के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की बड़ी जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट में महमदुल्ला, रिशाद हुसैन और मेहंदी हसन मिराज उनके सबसे बड़े हथियार है, तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय टीम के बारे में तो दोस्तों, टीम इंडिया में कप्तानी तो रोहित शर्मा कर रहे हैं, तो वहीं उनका साथ अब पारी की शुरुआत बतौर टॉप ऑर्डर पर करने के लिए यशस्वी जायसवाल उतरे हैं। तो वहीं दोस्तों, फिर मध्य क्रम में तीसरे नंबर पर विराट कोहली को खिलाया जा रहा है, चौथे पायदान पर ऋषभ पंत, पांचवीं पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, नंबर छह पर यान पराग, तो वहीं नंबर सात और आठवीं पोजीशन पर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम। और आप दोस्तों, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा अपनी टीम को आखिरकार कैसे मुकाबला जितवा पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मजबूत टीम है और वो वनडे में अच्छी से अच्छी टीमों को हराना बखूबी जानते हैं, और रोहित शर्मा का फोकस बस इसी बात पर रहेगा। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए कुछ भी कठिन तो होने वाला नहीं है और पिच भी हमारी कंडीशन के हिसाब से रहेगी, तो टीम इंडिया की जीत तो लगभग पक्की है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम बाजी मारेगी तीसरे वनडे जीत कर? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। क्योंकि T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसमें कौन बाजी मार पाया, अंतिम ओवर में कितने रनों की जरूरत थी, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम को जीत दिला पाए, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी तो जानते हैं, इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां पर बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए
पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तनजीत हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तनजीत हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा